नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने किया समलैंगिक अधिकारों का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में समलैंगिक जोड़ों को मिलने वाले फायदे रोकने संबंधी रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि 80 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया और यह पारित नहीं हो सका। भारत के अलावा चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और UAE समेत 43 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 34 देश गैर हाजिर रहे। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो UN महासचिव बान की मून को अपनी वह नीति वापस लेनी पड़ती जिसमें समलैंगिक जोड़ों को वही सब सुविधाएं दी जा रही हैं जो बाकी शादीशुदा लोगों को मिलती हैं। बान की इस नीति के जरिए ही संयुक्त राष्ट्र में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिली थी। जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट नेताओं से मुलाकात में कहा कि जाटों के आरक्षण को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और कानूनी ढांचे के तहत इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने 70 सदस्यीय जाट प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना और कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर रही है। इस मुद्दे का कानूनी ढांचे के तहत एक समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने की अगुवाई करें। तुर्की में इस्लामी पत्रिका के कार्यालय पर विस्फोट। तुर्की के इस्तांबुल में एक चरमपंथी इस्लामी समूह से जुड़ी एक पत्रिका साप्ताहिक आदिमलार के कार्यालय पर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य जख्मी हो गए। डोगन समाचार एजेंसी के मुताबिक विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि बम विस्फोट हुआ था। इस पत्रिका का तुर्की के इस्लामी गुट ग्रेट ईस्टर्न इस्लामिक रेडर्स फ्रंट से संबंध है। यमन के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। यमन के राष्ट्रपति आबिद रब्बू मंसूर हादी अदन से एक नौका के जरिए समुद्री रास्ते से देश से भाग गए। शिया विद्रोहियों और उनके सहयोगों के दक्षिणी बंदरगाह शहर के करीब पहुंचने, रक्षा मंत्री को पकड़ने और शहर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने के बीच यह घटनाक्रम हुआ है। शिया विद्रोहियों के आगे बढ़ने से इस सबसे गरीब अरब देश के गृह युद्ध की चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया है। बहन के हनीमून के लिए विश्व कप जीतना चाहता है एलियट। विश्व कप फाइनल खेलने के लिए अपनी बहन की शादी में नहीं जा पा रहे न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्रांट एलियट ने उसके हनीमून का खर्च उठाने का वादा किया है। एलियट को शनिवार को अपनी बहन कैट की शादी में जाना था। कैट एलियट ने कहा कि शादी की तारीख एक साल पहले तय हो गई थी, लेकिन अब उसके भाई केस में शरीक होने की कोई संभावना नहीं है। उसने फेयरफैक्स न्यूजीलैंड से कहा कि उसकी टिकट शनिवार की थी और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम आ पाओगे। उस समय वह टीम में नहीं था और उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसे चुना जाएगा। मैंने टिकट बुक करा दी। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में एलियट ने नाबाद 84 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था। उसने कहा कि अब मैं नहीं आ सकेगा, लेकिन उसने कहा है कि अगर न्यूजीलैंड विश्व कप जीतता है तो वह मेरे हनीमून का खर्च उठाएगा। केट ने कहा कि मैंने उससे कहा है कि जीत कर ही लौटना, हनीमून के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।